मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। उसी काम में लगा हुआ हूँ। इन महान शब्दों को कहने वाले भाई स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी को यह चैनल सनातन भारत समर्पित है तथा उन्हीं से प्रेरित होकर इस चैनल की स्थापना की गई है। नमस्कारम, मैं हिमानी वशिष्ठ आपका सनातन भारत चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी कि अगर किसी को कांटा चुभ गया है पैर में या कहीं भी कांटा आपके चुभ गया है तो और कांटा वो अंदर चला गया है तो हमें कैसे निकालना है। अगर कांटा निकल गया है तब तो ठीक है, पर अगर कांटा कई बार अंदर रह जाता है, अंदर टूट भी जाता है, खासकर बच्चों के साथ ज़्यादा होता है ऐसा, वो ध्यान नहीं देते खेलते हुए, तो हम क्या कर सकते हैं उसको घर पर निकालने के लिए ही। तो बहुत ही कारगर साधारण सा उपाय है, आप गुड़ लीजिए, जैगरी गुड़ को आप तपा लीजिए, गर्म कर लीजिए, तवे पे आप गर्म उसको कर लीजिए ताकि थोड़ा सा ऐसे फैलने सा लगे, जब गुड़ थोड़ा सा लिक्विड सा बनने लगे। और उसमें आप साथ में अजवाइन को थोड़ा सा गर्म करके साथ में उसको मिला लीजिए, और किसी कॉटन के कपड़े की सहायता से आप उसको अपने जहाँ पर आपको कांटा लगा है, कांटा चुभा है, वहाँ पर बांध लीजिए। ध्यान रखिए कि बहुत गर्म ना हो, सहता सहता हो। कभी आप बांध रहे हैं, आपने बहुत गर्म गुड़ लगा दिया तो उससे भी त्वचा जल सकती है, नुकसान हो सकता है। सहता सहता सुहावना सा गर्म हो, बिल्कुल ठंडा भी नहीं, गर्म लगाना हमें गर्म ही है, पर ठीक गर्मी जो उसका टेम्परेचर है वो सही हो आपकी स्किन के लिए। तो आशा करती हूँ ये जो मैंने आपको सरल सा उपाय बताया है, बहुत ही सरल उपचार मैंने आपको बताया है कांटा लगने के लिए, कांटा अंदर जाने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए, आप ऐसा करते हैं तो स्वतः ही कांटा अपने आप निकल के आ जाता है थोड़े ही समय में। आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया है, अगर आपको इससे लाभ हुआ है ऐसा कुछ होने पर, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो अभी के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी।